एवरीवन, दिस इज़ मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में ना मैं कुछ पुराने दियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ और कार्डबोर्ड से एक वॉल हैंगिंग DIY बनाने वाली हूँ। दिए से मैंने वॉल हैंगिंग DIY बनाया जो कि मैंने फ्लिपकार्ट पर बिकते हुए देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे हम अपने घर में ही फ्री में बना लें। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट सब चीज़ करिए और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना फर्स्ट DIY बनाएंगे जो कि मैंने बताया हमारे घर पे रखे हुए पुराने दिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा वुडन लिया है, मतलब मेरे छत पे रखा हुआ था ऐसा लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने ना इस टुकड़े लकड़ी के टुकड़े में ऐसे ड्रिल मशीन से छेद करा लिया है, ऊन लिया है और कुछ कलर्स लिए हैं। तो यहाँ पे ना हम ना इसके बीच में ऐसे दिए के बीच में ऐसे छोटे छोटे छेद करेंगे, वो भी इस कैंची की मदद से धीरे धीरे। अगर आप इससे करेंगे तो दिए टूटेंगे भी नहीं और एक घंटा पहले आपको दियों को पानी में भिगोना पड़ेगा ताकि आप आराम से इनमें होल्स कर सकें आराम से, और बीच में ही आपको करना है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास वैसा कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मली कार्डबोर्ड से भी ऐसे ही बना सकते हो आराम से। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे अपने दियों को कलर। तो यहाँ पे मैंने ना येलो कलर लिया है और हर एक कलर के दो पीस को हम कलर करने वाले हैं, मतलब कि हर एक कलर के दो दियों को हम आप ऐसे ही कलर करने वाले हैं। और आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हो और हमारे घर में जो रखे हुए दिए हैं उनका भी कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबको इस तरह कलर कर दिया है। तो यहाँ पे येलो, रेड और ग्रीन और एक ऑरेंज, मतलब एक बीच में जो पीस रहने वाला है वो ऐसे ही एक ही होगा। 7 दिए मैंने लिए थे और यहाँ पे जो हमने लकड़ी ली थी उसको हम कलर कर देंगे। पहले मैंने सोचा था इसको मैं कलर ना करूँ, फिर मैंने सोचा नहीं इसको हम कलर कर देंगे क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा और हमें ऐसा बनाना है जो मार्केट में जैसे बिकता है। तो ये मैंने ना ऑनलाइन बिकते हुए देखा था और मेरे पास ऐसे सारे सामान भी रखे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम बना लें घर में। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से यहाँ पे हम कुछ डिजाइन बना देंगे ताकि ये देखने में सिंपल ना लगे और थोड़ा और अच्छा लगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करोगे तो शायद ये समझ ना आए आपको। तो यहाँ पे मैंने ऐसे छोटे छोटे पैटर्न बना लिए हैं और मैं ना कलर करते करते इतनी मगन हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कैमरा कहाँ चल रहा है और मेरा दिया कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैंने ऐसे छोटे छोटे मिरर ले लिए हैं जो कि आराम से जहाँ पे लेस और धागे मिलते हैं रील वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसे दियो को हम दिए के बीच में ऐसे लगा देंगे ताकि देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो ये पार्ट अगर आपको नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता दूँ मैंने कलर कौन सा यूज़ करा है। तो कलर मैंने यूज़ करा है एक्रेलिक पेंट, तो ये हमें 20 रुपये की डिब्बी आराम से मिल जाती है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि इन्हें हम लोग कैसे टाकेंगे। तो यहाँ पे ना हमने ऐसे जिस तरह मैंने रखा है ना इस तरह मैं इसको बनाने वाली हूँ और ऐसे मैंने ऊन ले लिया है और ऊन को इस तरह हम नाप लेंगे और ऐसे पहले हम नाप लेंगे। और डालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमने ऐसे लिया था, अरे मेरा मतलब है कि आपको इस तरीके से ऊन नाप लेना है कि नहीं तो आपको छोटा बड़ा हो जाएगा और हमें सेम ऐसे ही रखना है। आप समझ रहे हो कि पता नहीं क्या मैं बकती रहती हूँ पर आपको शायद समझ आ रहा होगा ये। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ मोती लिए हैं नीचे लगाने के लिए क्योंकि मुझे सिंपल लग रहा था और मुझे ऐसा लुक बनाना था कि जो हम अपने फेस्टिवल में भी सजा सके घर को। और वैसे भी ऐसे ही थोड़ा खाली लगता धागा तो बीच बीच में ऐसे ही हम सजाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इसको टाकना कैसे है। तो यहाँ पे ना नीचे एक गांठ लगा देनी है ऊन के नीचे, फिर ऐसे बड़ी सी सुई लेनी है और उसमें ऐसे मोती डालना है और जो ये दिया है उसको फिर डालना है।
तो इस तरह से हमें दिए और फिर दिए के ऊपर हमें कुछ मोती डालनी है जैसे इसमें दिख रहा है, ताकि ये जो ऊन है वो थोड़ा अच्छा लगे। और सेम ऐसे ही ऑनलाइन बिक रहा था तो मैंने सेम ऐसे ही बनाया है। और यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है जहाँ पे हमको वुडन रखना है, वुडन अरे सॉरी लकड़ी जो है, हाँ वही वो रखना है, नहीं तो आप कैसे टाकोगी। देखो जो आपको वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसे ही करना है, नहीं तो आपकी लकड़ी नीचे गिरेगी आके। और ऊपर के साइड भी हम ऐसे दो मोती ऐसे डाल लेंगे जैसे इसमें दिख रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो नीचे लास्ट में मैं यहाँ पे ना ऐसे मेरे पास एक घंटी रखी थी, पुराने झूमर में से निकाल के मैंने ये घंटी लगाई है, तो आप भी ऐसा कुछ काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ना हम सेकंड DIY बनाएंगे। सेकंड DIY बनाने के लिए मैंने लिया है कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड को हम ऐसे काट लेंगे। तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ एक झरोखा। तो ऐसे मैंने नाप लिया है, जितना बड़ा मुझे झरोखा लेना है उस हिसाब से मैंने नाप लिया है। तो ऐसे स्केल की मदद से हम ना नाप लेंगे और ऐसे कुछ डिजाइन बनाएंगे जैसे झरोके में होता है जो डिज़ाइन, वैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर फ़िलहाल मुझसे बन नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे लाइन बना के तो आसानी से ऐसे बना लिया था। और आप छोटे हो तो आप किसी बड़े की मदद लो और ऐसे बना लो, नहीं तो पहले आप किसी पेपर पर डिज़ाइन बना के फिर गत्ते पे रख के उसकी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे नाइफ़ लिया है और ऐसे गत्ते में मैं छोटे छोटे छेद करके तब मैंने ये बीच का हिस्सा निकाला था। और अगर आप छोटे हो तो बड़े की मदद ले, नहीं तो लग सकता है। तो यहाँ पे हमने ना ऐसे छेद कर करके ऐसे डिज़ाइन को निकाल दिया था। तो इसको हम ना झरोका डिज़ाइन कहते हैं, और आपने काफ़ी देखा होगा। और ये भी पता है ऑनलाइन बिक रहा था, वो भी पूरे 1000 रुपये का। हाँ वो लकड़ी का रहता है, वुडन का बना हुआ, और ये हमारा गत्ते का है, फिर भी हमारा ये काम काफ़ी अच्छा करेगा क्योंकि हमें सजाना है। और ऐसे हम कलर भी इसको कर देंगे कि ये देखने में अच्छा लगे। तो इसी तरीके के मैंने दो पीस बनाए थे क्योंकि जो ये कार्डबोर्ड था ना ये बहुत पतला था और मुझे थोड़ा मोटा रखना था ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो फिर मैंने ग्लू लगाया और ऐसे करके उसको चिपका दिया है। और यहाँ पे ना मैंने मास्किंग टेप ली है, आप लोग जानते हो ऐसी मास्किंग टेप हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जो उसमें कटिंग अगल बगल दिखती है ना वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिनिशिंग के लिए और थोड़ी मजबूती के लिए मैंने ये मास्किंग टेप का इस्तेमाल करा था। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, ये दोनों जो मैंने आपको अभी दिखाए, और मैंने यहाँ पे इसका स्काई ब्लू कलर बनाया है इसको, और हम पेंट कर देंगे। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वैसे आप पेंट कर सकते हो मनचाहे कलर। अगर आप मेरी जगह होते कौन सा कलर करते आप ये कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से कलर कर दिया है और ये देखने में अभी से इतना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है डार्क ब्लू कलर, इसी में मैंने वाइट कलर मिलाया था और ये आराम से बन गया था। तो यहाँ पे ना हम किनारे किनारे ऐसे डार्क ब्लू कलर से बॉर्डर बना देंगे कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे हमने ऐसे डार्क ब्लू कलर से बॉर्डर बना दिया है। और अब मैंने येलो कलर लिया है और येलो कलर से ना हम पूरे इसके झरोके के किनारे किनारे ऐसे बिंदी रख देंगे। और यहाँ पे थोड़ा अलग से उभर के डिज़ाइन आएगा जैसे कि अभी आया। अब मैंने रेड लिया है और रेड से मैं यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे फूल बनाने के बाद मैंने ऐसे ग्रीन कलर लेके और ऐसे बना दिया था। आप पेंसिल से ना पहले ड्रॉ कर लेना उसके बाद कलर करना तो बहुत आराम से अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक कलर से ना जो हमने इसमें फूल और ये पत्तियाँ बनाई है उसको बॉर्डर बना देंगे ताकि ये देखने में और अच्छा लगे। तो इसी तरीके के हमने कई फूल बना दिए थे। और यहाँ पे ना नीचे मैंने व्हाइट कलर से ना मैंने सोचा लीव्स बना लूँ,
पर बाद में मुझे ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो फिर मैंने ना इसको हटा दिया था। अभी मैं आपको बना के दिखाई रही हूँ, पर मैंने इसको चेंज कर दिया था। और आप अपने मनचाहे डिज़ाइन बना सकते हो, तो ये मुझे कम अच्छा लग रहा था, बाद में मैंने इसको चेंज करके एक को मतलब साइड में जो यहाँ दिख रहा है यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन कलर से बना दिया था। तो अब इसका आप फाइनल लुक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।